देखिए ये आई कैन से इट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबईकर्स। पुलिस का तो इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ मुंबई, दोज हु एक्चुअली मेंटेन द पीस इन दिस सोसाइटी। आई ऑलवेज अपील टू द पीपल, बी एसोसिएटेड विद अस, बी टुगेदर मेक दिस सोसाइटी मच मोर सेफ। आई वॉन्ट दिस सिटी इज ऑलरेडी सेफ, लेट्स कम टुगेदर, वील मेक इट मोर सेफ एंड सिक्योर फॉर एवरीबडी। थैंक यू। मस्ती के बारे में आपके जो कॉन्स्टेबल है जिन्होंने गाना गाया उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुपर्ब, ही सॉन्ग वेरी, ही सैंग वेरी नाइसली एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। सी आफ्टर ऑल इवन दो वी आर द यूनिफॉर्म, ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड द क्वालिटी विच इज हैविंग, आई विल डेफिनेटली आई विल सी दैट ही विल इम्प्रूव ऑन दैट। बहुत ही खूबसूरत मंजर है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं अक्सर रात में काम करता हूँ। आज भी मैं 6:30 बजे सोया था पर किसी तरीके से उठ गया, एंड आई थिंक आई एम लकी दैट आई केम हियर। इतने खूबसूरत ऑडियंस, इतनी सुरीली ऑडियंस जब आपको मिलती है, आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केम हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय असलम भाई एंड आई होप दैट इट्स अ नाइट सिटी एंड कमिंग टू मलाड और ये सब देखकर आई एम सरप्राइज्ड। सुबह सुबह मुंबई के अंदर लाखों की भीड़, That's amazing. Malad Masti is just incredible, and especially Aslam Bhai, congratulations. This is incredible. मैंने ऐसा पहले मुंबई में नहीं देखा। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग प्यार दें, और क्योंकि हम लोगों ने ये पुराने सॉन्ग को हम लोगों ने न्यू क्रिएट किया हुआ है। देखिए आम जनता ये चाहती है कि खुश रहे, आम जनता और बच्चे ये चाहते हैं कि देश का वातावरण अच्छा हो। एक तरफ देश जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है जलाने पे लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बांध के रखें, मोहब्बत बनी रहे, भाईचारगी बनी रहे। और ये जो शो हमने किया है ये पॉलिटिक्स से हट के किया है, जो यंगस्टर्स है हमारे वो जल्दी उठें, सुबह एक्सरसाइज करें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमने जो है इवेंट्स रखा हुआ है, हर स्टॉल पे जुम्बा है, कराटे है, UFC है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बॉक्सिंग जो हेल्थ पे बॉक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें रखा है। और साथ ही साथ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और जो आम जनता है इन लोगों से मिल नहीं पाती, देख नहीं पाती, खाली TV के ऊपर इन्हें देखने मिलता है, तो रूबरू इनको देख भी लेती है। इनका भी ऐसा लगता है कि भाई ये भी कभी इसी दौर से गुजरे हुए हैं लोग, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर और अपने मन से आता हूँ। मेरे को अगर सर बुलाएंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि कुछ इनवाइट भी नहीं भेजेंगे, मैं बिन बराती जो होते हैं ना बुला के वो ऐसा रहूँगा यहाँ पर। ये मेरे लिए मलाड मस्ती है, ये यूथ के लिए बहुत बढ़िया है, ये एक कॉज के लिए हो रहा है, ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए हो रहा है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हो रहा है। तो ये बहुत, एक तो ये है, एक बच्चे सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक्सरसाइज, बॉक्सिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है, डांस हो रहा है, तो ये सुबह सुबह उठ के ये हर कोई नहीं करता है, तो ये मलाड मस्ती में ही देखने को मिलता है। और मैं अपने मन से हर साल आऊँगा, ये मेरा वादा है। इससे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतनी सुबह सुबह लोग आ जाएंगे करके, क्योंकि सुबह उठना किसको पसंद नहीं रहता, मगर ये बहुत अच्छा एक थॉट है असलम सर का कि सबको सुबह उठा के लेके आए, सब लोगों को फिट रहना रखना देख रहे। और यस, और जो हिसाब से प्यार बांट रहे, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, आई थिंक अभी सब लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, जितने प्रेस वाले भी होंगे या फिर ऑडियंस भी होगी, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, आई थिंक मैं बहुत मोटिवेट हुआ यहाँ पे आके और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को भी, बिकॉज हम लोग ज़्यादा सेट पे रहते हैं, ऑडियंस से ज़्यादा इंटरेक्ट होता नहीं है, सो ये बहुत अच्छा एक ये है कि इंटरेक्ट करना। एंड यस, ट्रेलर भी दिखाना था तो यहीं पे आए थे, और 1,00,000 लोग आए हैं, पिछले संडे 50,000 थे, 1,00,000 लोग यहाँ जमा हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए, तो अच्छा लगता है यार देखने में ये सब। संडे मॉर्निंग सुबह सुबह 1,00,000 का क्राउड है, आज परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मलाड मस्ती और असलम शेख जी का जो इनिशिएटिव? देखिए, मैं मलाड मस्ती की एक शान आन बान अलग है, हमेशा मैं तकरीबन 5 साल से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर, और असलम भाई हमारा नेता कैसा हो, असलम भाई जैसा हो, तो असलम भाई की बात कुछ अलग ही है, वो खुद एक दबंग है, अल्लाह ने उनको नवाजा है, और उनका प्यार, उनका खुलूस हम लोगों को यहाँ आकर नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से प्यार मोहब्बत से सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर हैं,
एक छत के अंदर दो भाई सगे नहीं रह सकते और यहाँ आपको 1 लाख का क्राउड मिलता है, तो ये ओनली असम्पशन। एक गाना आप अगर सुनाना चाहें जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी मेरा लेटेस्ट सॉन्ग टाइटल ट्रैक दबंग का, उसका मैं 2-3 लाइनें बनाता हूँ। यारों के लिए वो सच्चा यार है, दुश्मनों को काटे वो तलवार है, एक पल भी ना झपके पलक जब शेर देखे शिकार को, जब रब का साया साथ हो तो झुकता देखा संसार को। मेरी अपनी मौजें हैं, मेरे अपने धारे हैं, आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ मैं हूँ। दबंग 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 उड़ उड़ दबंग 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 चुलबुल दबंग 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 मैं हूँ दबंग 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 दबंग। मैं स्त्री के लिए सोता नहीं हूँ क्योंकि मैं रात को 3 से 4 बजे तक सोता हूँ, यहाँ 8 बजे जाना पड़ता है, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती है। और ये एक सभी लोगों का प्यार है और एक फेस्टिवल है जिसे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, इसी तरीके से ये भी एक फेस्टिवल है। क्योंकि मैं लेट नाइट जब सोता हूँ तो उठता हूँ 12-1 बजे, तो इसलिए सोना नहीं होता है कि सुबह मलाड मस्ती जाना है। थैंक यू सो मच।